खाते हुए नहीं सोच पा रहे हो तो खाना रोक के सोचो, अंधेरे में नहीं सोच पा रहे हो तो लाइट जलाकर सोचो, लाइट में नहीं सोच पा रहे हो तो लाइट बंद करके सोचो, खड़े होकर नहीं सोच पा रहे हो तो बैठ के सोचो, बैठ के नहीं सोच पा रहे हो तो लेट कर सोचो, लेट के नहीं सोच पा रहे हो तो दौड़ कर सोचो, दौड़ कर नहीं सोच पा रहे हो तो चल कर सोचो, चल कर नहीं सोच पा रहे हो तो पानी पी कर सोचो, पानी पी कर नहीं सोच पा रहे हो तो कहीं जो है कि खेत में छांव में बैठ कर सोचो, छांव में भी नहीं सोच पा रहे हो तो चिलचिलाती हुई धूप में तप कर सोचो, तप कर नहीं सोच पा रहे हो तो कपकपाती हुई ठंडी में सोचो, ठंडी में भी नहीं सोच पा रहे हो तो चलते हुए रोड पर सोचो, चलते हुए रोड पर नहीं सोच पा रहे हो तो दोस्तों के साथ सोचो, दोस्तों के साथ नहीं सोच पा रहे हो तो अपने टीचरों के साथ सोचो, अपने टीचरों के साथ नहीं सोच पा रहे हो तो अपनी किताबों को लेकर सोचो, अपनी किताबों को लेकर नहीं सोच पा रहे हो तो इन पौधों इन जो है कि खेत खलियान को देख के सोचो, उनको भी देख कर नहीं सोच पा रहे हो तो जाओ झुग्गी और झोपड़ी में उनकी गुर्बत, उनकी गरीबी, उनकी तनाई, उनकी लाचारी और भूखमरी को देख कर सोचो, अगर वो भी नहीं देख कर सोच पा रहे हो तो जिन लड़की की कम उम्र में शादी हो जाती है, जो विधवा हो जाती है, जिनके अंदर जो है कि दिक्कतें आ जाती है, जो है कि खाने की मोहताजगी रहती है, उनकी दिक्कतों को देख कर सोचो, उनको देखकर सोचो कि जिनके अंदर चेहरे पे मासूमियत है, जो पढ़ना चाहते थे आज किसी मुश्किल की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ पाए, उनकी गुर्बत, उनकी लाचारी, उनकी जो है तन्हाई को देखकर, उनके चेहरे की मासूमियत को देखकर सोचो, किसी मरीज को देखकर सोचो, किसी डॉक्टर को देखकर सोचो, इंजीनियर को देख के सोचो, किसी पढ़े लिखे इंसान को देख के सोचो, किसी जाहिल को देखकर सोचो, कभी चप्पल उतार के सोचो, चप्पल पहन के सोचो, कैसे भी सोचो, लेकिन कम से कम थोड़ा सा तो सोचो यार, थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ा सा सोचो। आप इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कितने दिन से सीख रहे हो? अराउंड 3 months. 3 months. 3 months, 3 महीने से आ रहे हो? मुझे नहीं लगता आप 3 महीने सीख रहे हो। सीख रहे हो तो व्हाट हैव यू लर्न, क्या सीखा आपने? हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, हैव यू एवर सीन दैट जयस सर, मुकेश सर, विशाल सर, आशीष सर, एज मेनी टीचर्स, अनु मैम, देर आर देयर, डू दे स्पीक लाइक यू स्पीक? क्या वो उस तरह से बोलते जैसे आप बोल रहे हो? No, नहीं, तो फिर आपने कहाँ से सीखा ये चीज़ें बताओ? सर फ्रॉम जयस सर। नहीं, जो जो टोन है आपकी, जो बोल रहे हो जिस तरीके से, वो कहाँ से आपने सीखा? इट्स योर मदर टंग। हाँ, मैं यही सीख रहा हूँ, ये मेरी मदर टंग है, मैं भादो में रहता हूँ, मेरी मदर टंग तो नहीं है, भादो से तो मैं भी हूँ यही 2.5 किलोमीटर, तो आपकी मदर टंग खासडी सो, तो खासडी में मदर टंग ये है, मैं नहीं सीखता, मैं नहीं जानता, खासडी की ये मदर, खासडी से मैंने बहुत सारे लड़के होंगे और बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया, खासडी की मदर टंग ये कौन कौन कहता है, खासडी की मदर टंग ये है, खासडी की मदर टंग कौन कहता है कि जूता पहने हो फेंक दो, ऐसे बैठे रहो पैर फैला के, खासडी की मदर टंग है ये, यहाँ आ रहे हो तरीका नहीं है? हाँ, बैठ जाओ, गुंडे ही किसी ने किया तो सबसे बड़े इस क्षेत्र के गुंडा हमें ध्यान देना, क्योंकि 10.5 साल 11 साल से कोचिंग चला रहे हैं, इसका मतलब 11 साल से अगर कोई कोई काम कर रहा है तो उस चीज़ में वो गुंडा होगा। जितने लड़कों की शर्ट की बटन खुली है ऊपर की बंद करो, राइट। जय सर को देखो, विशाल सर को देखो, जरा बताओ बटन खुली है कि नहीं? नहीं खुली। आपके टीचर की बटन नहीं खुली, आपकी खुली हुई है। आपका टीचर कभी आया जूता फेंक दिया? ये कहाँ से आ रहे हैं सर? तुम लोगों को ना जब 20,000 रुपये का कोर्स यही मिलेगा ना, आओगे दिल्ली मुंबई भागते हुए ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। बैठो, यहाँ तुम लोगों को जो है कि मिल रहा है फ्री में ना 20,000 रुपये, जब यही अब्दुल्ला दिल्ली में मिलेंगे 20,000 रुपये में कोर्स देने के लिए, तब तुम्हें यदि अक्कल काम आएगी। डेली मान लो मैं स्कूल जा रहा हूँ, डेली कोचिंग क्लास कर रहा हूँ, डेली क्लास कर रहा हूँ, कभी दिन में अलग भी तो रखोगे अपना टाइम, कभी दिन से अलग भी, दिनचर्या से अलग भी तो काम करोगे। आप डेली मान लो स्कूटी चला रहे हो, एक दिन बुलेट पे बैठते हो तो कैसा लगता है? थोड़ा अलग सा लगता है ना, अच्छा लगता है ना? तो जब आप एक दिन कुछ अलग करोगे तो अच्छा तो लगेगा ही, कुछ अलग करने से थोड़ा दिमाग अलग होता है, आपको नहीं पता ये चीज़? आपको लगता है कि अरे जाएंगे आराम से, कौन था ये
कहाँ गए? एक सेकेंड। हाँ यस, आप उठ जाओ, आ जाओ इधर। 53 भाषाएं बोली जाती है पूरे संसार में, पूरी दुनिया में 7153 भाषाएं। उस 7153 भाषाओं में से 22 आपकी रजिस्टर ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ भारत देश में है। अगर पूरे दुनिया में बात करोगे, इंग्लिश में 171,000 शब्द बोला जाता है, संविधान में 146,000 शब्द है, बार बार 146,000 शब्द लिखा गया है। आप कुरान शरीफ की बात करोगे 78,000 शब्द है, गीता में बात करोगे 22,000 शब्द है, बाइबल में बात करोगे 78,000 शब्द है। हर भाषा, हर किताब, हर धर्म की किताब, संविधान हो चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, ये जितनी भी भाषाएं बनी हैं, आप जानते हो इंग्लिश जो आप सीख रहे हो, इंग्लिश को टोटल 1317 मिलियन लोग बोलते हैं। मतलब लगभग अगर आप आंकड़ा देखोगे तो लगभग 1.5 बिलियन, 150 करोड़ का आंकड़ा मान के चलो। उसके बाद इंग्लिश के बाद जो भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा, वो पता है क्या है? मैंड्रीन, जो सबसे हार्ड है, जिसको बोलते हैं चाइनीज़। 1117 मिलियन लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में मैंड्रीन चाइनीज़ को, 1117 मिलियन लोग। बहुत हार्ड है सीखने में, लेकिन इसके बोलने वाले इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि चाइना सबसे बड़ा देश है और वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर वहाँ से सटा हुआ हांगकांग है। अब ये चीज़ है, मैंड्रीन चाइनीज़ के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी हिंदी भाषा, 615 मिलियन लोग। हिंदी भाषा के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? स्पेनिश भाषा, 532 मिलियन लोग। उसके बाद कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? फ्रेंच, 235 मिलियन लोग। फ्रेंच के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? अरबिक, 212 मिलियन लोग। अरबिक के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? रशियन, 208 मिलियन लोग। रशियन के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगीज़, 199 मिलियन लोग। पुर्तगीज़ के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? इंडोनेशियन, और इंडोनेशियन बोलते हैं 170 मिलियन लोग। अभी जितने भी मिलियन लोग जितनी भी भाषाएं बोल रहे हैं, सबका एक ही मकसद है, अपनी बात दूसरे को समझाना। समझ में आ रही बात? आप यहाँ पे आ रहे हो, आपके मम्मी पापा ये सोचे हैं कि मेरा बेटा बेटी जाए और थोड़ा सा अंग्रेज़ी सीख ले, अपनी बात किसी को समझाना हो तो समझ जाए, सामने अपनी बात बयां कर पाए। अब आप जितने भी देख रहे हो, इस दुनिया में लगभग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लगभग 8 बिलियन लोग होने वाले हैं, 800 करोड़ लोग। 800 करोड़ लोगों का एक ही मकसद है कि मैं अपनी भाषा, अपनी बात किसी को समझा दूँ। समझ रहे हो आप? मैं भी यहाँ आया हूँ, या टीचर आते हैं, कोई भी सिर्फ अपनी बात क्या करना चाहता है? आपको समझाना चाहता है। कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, a+b का होल स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी क्या कर रहा है? अपनी भाषा को समझाना चाह रहा है। अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 7153 भाषाएं, उन 7153 भाषाओं में से सबसे इम्पॉर्टेंट भाषा जो है वो आपकी ह्यूमैनिटी की भाषा है, वो आपकी इमोशन की भाषा है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि लिसन व्हाट इज़ नॉट बीइंग सेड, वो बात सुनो जो कही ना जा रही हो। जैसे इन लोगों को मैंने यहाँ पे क्यों बुलाया, ये बात इनको हमेशा याद रहेगी। मैं यहाँ से इनसे प्यार से भी बोल सकता हूँ, अरे आओ डियर, ये आपकी गलती थी, आप समझ जाओ, सहला के बोल सकता हूँ। इनको मैं भीड़ में इसलिए याद दिलाया हूँ कि इस तरीके की भाषा कभी भी ज़िंदगी में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आगे तुम्हें कुछ बहुत कुछ मिलेगा, और आगे अगर इसी तरह से तुम रहे तो तुम्हारा नुकसान होगा। आज मेरी डांट सुन लो, आज मार्टिनगंज में बेइज्जती हो रही, होने दो, लेकिन कल को आप किसी मंच पे खड़े रहो तो कल को आपकी बेइज्जती ना हो, या अब्दुल्ला भाई का डायलॉग याद कर रहा। समझ लो कि बताया था किसी टीचर ने, घास और रेत के मैदान में, खुले हुए आंगन में बताया था किसी ने कि यार ये चीज़ ध्यान देना। तो हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हमारी बात आप तक पहुँच जाए, आपकी बात हम तक पहुँच जाए। हम यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के साथ साथ हम इंसानियत की भाषा सीख रहे हैं, हम एक सिस्टम सीख रहे हैं। तो हमारा बेस जो क्या है, वो बेस जो हमारा है वो इमोशन का भाषा है, वो भावना की भाषा है। अगर आपकी भावना मैं नहीं समझ पाया तो आप मुझे कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं मानेंगे। आपकी अगर बात को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी दिक्कतों को नहीं समझ पाया तो यू विल नेवर एक्सेप्ट मी एज अ गुड टीचर। कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने लोग भी कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेज है, कंप्यूटर में C++ लैंग्वेज है, कंप्यूटर में जावा लैंग्वेज है, कंप्यूटर में जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, कंप्यूटर में स्विफ्ट लैंग्वेज है, कंप्यूटर में पास्कल लैंग्वेज है, कंप्यूटर में जो है कि
HTTP या जो है कि PHP, ये क्या है? लैंग्वेज है. इतनी सारी भाषाएं, कोबोल क्या है? लैंग्वेज है. लेकिन अगर आप मेन भाषा की बात करेंगे तो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज होती है. और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर होता है, जो 0 और 1 होता है. अगर बिना मशीन लैंग्वेज के, बिना बाइनरी लैंग्वेज के आप कोबोल, C++, जावा स्क्रिप्ट, स्विफ्ट, पास्कल, पाइथन पे काम करना चाहोगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन भाषा क्या है कंप्यूटर की? मेन भाषा क्या है? बाइनरी मशीन लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज मेन है. उसी तरीके से हमारी मेन भाषा क्या है? ह्यूमैनिटी. मेन भाषा क्या है हमारी? इमोशन. तो हमें क्या समझना है सबसे पहले? इमोशन. अब इमोशन आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं इस पर सबसे पहले क्यों बात कर रहा हूँ? व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट? आप आए, टीचर को जैसे तैसे बोल दिए, टीचर कुछ समझा रहा है बोल दिए. इसमें से कौन ऐसा टीचर है जो आप या ये मार्टिनगंज के अलावा कहीं नहीं पढ़ा सकता? ऐसे इनसे बेकार बेकार टीचर हैं. ये बेकार नहीं, ये अच्छे टीचर हैं, यहाँ के महान टीचर्स हैं. अगर ये मुंबई में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, लखनऊ में रहेंगे तो बहुत कुछ कमा सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं. आप लोग के उसमें लगे हुए हैं कि चलो गाँव क्षेत्र पर काम किया जाए, लेकिन आपको वैल्यू नहीं है. यही जब टीचर आपको छोड़ के चले जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार गलती हमारी थी. ऐसे ऐसे टीचर जो है नहीं मिलते हैं, आपके पीछे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, आपके पूरा पर्सनालिटी आपकी डेवलप करते हैं, पूरे आपकी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, आपकी दिक्कतों को समझते हैं, बार बार पर्सनल अपना टाइम देते हैं. एंड यू, आप उनको एक वैल्यू भी नहीं दे पा रहे हो, एक उनकी भावना को समझ भी नहीं कर पा रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो. तो हमारे अंदर क्या है? पॉइंट इज दैट कि हमारे अंदर वो शेखी आ गई है. ये शेखी क्या है? आप टीचर से लेट आए हो आज. आज आप टीचर से लेट आए हो. सोचो, यहाँ पढ़ाते थे हम लोग, बच्चे खड़े हैं, हम लेट आ रहे हैं. बच्चों के अंदर ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? टीचर आके खड़ा है, बच्चे लेट आ रहे हैं. समझ रहे हो आप? यू अंडरस्टैंड? यू हैव लैक ऑफ एक्साइटमेंट, यू हैव लैक ऑफ कंपैशन, यू हैव लैक ऑफ ऑब्सेशन, यू हैव लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, यू हैव लैक ऑफ डिजायर, यू हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंड यू हैव लैक ऑफ एक्साइटमेंट, एंड इट इज़ वेरी बैड. ये बहुत खराब बात है. ये इट्स नॉट अ गुड साइन. ये अच्छी बात नहीं है. यू अंडरस्टैंड? इट्स नॉट अ गुड साइन. ये अच्छी बात नहीं है. बिकॉज इफ यू आर कमिंग लेट, अभी लाइक दिस, सी दिस पीपल, दिस पीपल आर कमिंग लेट. ये लेट आए हुए हैं. उसमें से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. खाना बनाना था, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. ये करना था, वो करना था. ये जो दिन है वो बार बार नहीं मिलेगा. खाना आप 6 बजे उठ के भी बना सकते थे, झाड़ू आप पहले भी लगा सकते थे, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं समझनी, क्योंकि आपको बस वही समझना है कि अरे सर आओ सनम जाओ सनम, और बाद में जब उम्र हो जाए तो पछताओ सनम. समझ रहे हैं ना? बाद में जब उम्र हो जाए तो पछताओ सनम. आप सर्वे करो, रिसर्च करो, हमारा भारत देश आज लिटरेसी रेट में किस किस नंबर पे, किस रैंक पे आता है? 104 रैंक पे आता है. 195 जो है कि यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का, उस 195 देशों में से हमारा भारत 104वें नंबर पे आ रहा है. हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है. लड़कियों की शिक्षा देखोगे तो 123वें नंबर पे आ रही है. आपको क्या है? आप फिजिकली चल रहे हो, लड़के लड़की जा रहे हैं पढ़ने, ये फिजिकली जा रहे हैं. कब आप मेंटली अपने ऊपर कब काम कर रहे हो? आप कभी बैठते हो, कभी सोचते हो कि मैं, मुझसे क्या गलती हो रही है? डू यू एवर थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज़ माय प्रॉब्लम, व्हाट इज़ माय लैक, व्हाट इज़ माय मिस्टेक, मेरी क्या कमी है? नहीं सोचते. यू डोंट थिंक अबाउट इट बिकॉज यू थिंक दैट कि ओके नो प्रॉब्लम, आई एम कमिंग बाय दिस बाइक कार एंड आई हैव मनी, आई हैव माय सेटल बिजनेस. ऑल द पीपल हु हैव गॉन अपसाइड, दे हैव कम डाउनसाइड वंस. ऑल द पीपल हु हैव अचीव समथिंग इन देयर लाइफ्स, दे हैव ऑल्सो जस्ट यू नो फेलियर, दे हैव ऑल्सो रिजेक्शंस इन देयर लाइफ्स. इफ यू आर सक्सेसफुल, यू डोंट थिंक दैट दिस सक्सेस विल मेंटेन फॉर लाइफ टाइम एंड सस्टेन फॉर लाइफ टाइम. दिस सक्सेस इज नॉट गोइंग टू बी विथ यू फॉर लाइफ टाइम इफ यू हैव एनी सक्सेस. वट यू नीड टू डू, यू नीड टू फॉलो द कंसिस्टेंसी, यू नीड टू फॉलो द इंथुजियाज्म, राइट? यू अंडरस्टैंड? तो ये जो इंथुजियाज्म है, जो कंसिस्टेंसी, वो आपको फॉलो करना है. आप सक्सेस हो गए. जैसे कुछ लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलने लगे तो आप बादशाह बन गए, राइट? बादशाह बन गए. आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, ये है वो है. व्हाट इज दिस? थोड़ा बहुत आप जानते हैं, वो भी टूटी फूटी, और उसमें भी आप अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं. इट इज़ नॉट गुड. आपके जय सर हैं, श्रीलंका के लोग वीडियो देख रहे हैं, श्रीलंका के लोग वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग वीडियो देख रहे हैं, बाहर देश के लोग वीडियो देख रहे हैं. इनके अंदर तो मैं देख रहा हूँ कहीं से घमंड नहीं आ रहा है.
डायरेक्टर हूँ, मेन मालिक हूँ, पुराना पढ़ा रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है जय सर के पास, मुझसे ज़्यादा वीडियो चल रही है जय सर की, मुझसे अच्छा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे जय सर, इनके अंदर तो घमंड नहीं आया? आपके अंदर किस चीज़ का घमंड है? व्हाट टाइप ऑफ ईगो डू यू हैव? किस तरीके का घमंड है बताओ? क्यों आप अपने आप को सुस्त किए हो? जब एक इंसान आपकी ही भीड़ से, आपके ही गांव से, आपके ही क्षेत्र से निकल के जा रहा है आगे, और वो एकदम न्यूट्रल है बेचारा, एकदम हम्बल, एकदम फ्लेक्सिबल है, एकदम नॉर्मल है, जो कि उसके पास कुछ है भी दिखाने को, कुछ है भी बताने को, लेकिन वो नहीं कह रहा, बिकॉज उसको पता है कि आगे आने वाला भविष्य मेरा धीरे धीरे आएगा और अच्छा हो जाएगा, और मुझे इसी तरीके से काम करना है, लेकिन आप नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू, यू अंडरस्टैंड? आप के गार्जियन मेरी खबर लेंगे और मैं आपके मैनेजर और टीचर की खबर लूंगा। मैं तो डांटता हूं इन लोगों को, आज ही मैंने डांटा, भाई क्या है, 8 बजे का टाइम दिया गया, 9 बजे आ रहे हैं पीपल, स्टूडेंट्स, इट इज रॉन्ग ना कंप्लीटली, ये क्या है बताइए, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। या तो आपके टीचर के अंदर कमी है, राइट? यस, टीचर के अंदर ही तो कमी है, no, sir. ये सही से पढ़ा नहीं रहे होंगे तभी तो ऐसा हो रहा है, इट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है बताइए, नहीं अंदर किसके कमी है ये तो बताइए, बोथ स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, आर यू श्योर? नहीं, आई थिंक देर मस्ट बी सम प्रॉब्लम्स इन द टीचर्स, बिकॉज टीचर्स वुड नॉट बी फोकसिंग ऑन यू, राइट? दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग यू, राइट? यू डोंट, आई थिंक टीचर्स डोंट फोकस, दैट्स वाई ना, दिस इज द रीजन दैट यू आर लैकिंग इन द कॉन्फिडेंस, दिस इज नॉट द रीजन, सो वट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मैंने सुना है आप लोग के बारे में कि आप लोग के अंदर एकदम एकदम जो कंपैशन होता है, जो जुनून होता है, वो एकदम ख़त्म है, आए बैठ गए, एटो स्टूल दो यार, कोई एटो स्टूल दो, थैंक यू, आए बैठ गए। दो तरीके के लोग यहाँ पे हैं, एक एक आया बहुत सीधा साधा है, जो एकदम सती सावित्री टाइप, बड़े सिविलाइज्ड, बड़े सब हैं, आए बैठ गए ऐसे प्यार से, आराम से, ठीक है, ये सीधे साधे लोग हैं, आराम से बैठ गए। एक तरीके के लोग हैं, एक तरीके का इंसान है, दूसरे तरीके का इंसान। और बताओ भाई क्या हाल चाल, आओ क्लसवा कब चली, क्लसवा ना चलते कहाँ, मुकेश सर कहाँ है रे, जसवंत सर ना है ना का, अरे कुल ठीक है यार, वो इंस्टाग्राम में फॉलो किए रू ना फॉलो किए का, फॉलो करे चाहिए ना। दो तरीके के लोग, एक एकदम न्यूट्रल है, एकदम सीधे साधे, एक एकदम अपना एडवांस है, और दोनों बेकार दोनों बेकार है, दोनों किसी काम के नहीं। काम ये है कि आप 1.5 से 2 घंटे के लिए यहाँ आते हो, और 1.5 से 2 घंटे के लिए आप अगर दोनों, एक तो न्यूट्रल हो जा रहे हो, एक तो एकदम एडवांस हो जा रहे हो, दोनों गलत है, क्योंकि आपका दोनों काम नहीं है यहाँ पे, आपका दोनों उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है बदलाव। आपका उद्देश्य क्या है? बदलाव। जैसे मैंने एक पौधा लिया हुआ था, अब ये पौधा है, ये आप देख रहे हैं, ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, इसका कुछ काम है? इसको जहां रख दोगे वहीं रहेगा, जितना बड़ा है उतनी बड़ा रहेगा, आप आर्टिफिशियल हो गए हो, आप लिमिटेड हो गए हो, आप जहां जहां छोड़ दो वहीं पड़े रहोगे, जैसे बैठा दो वैसे रहोगे, अपने से ना ग्रो करना है, ना पानी देना है, ना खाद देना है, ना अपने से सांस लेना है, आप एकदम आर्टिफिशियल हो गए हो, यहीं बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, क्लसवा कहाँ नहीं चल रही है, अरे क्लास नहीं चल रही है अगर सपोज, तो आप क्या करो, आप तो अपने से पानी दे के थोड़े पौधे को बढ़ाओ, नेचुरल तो बनो, इसको ग्रो तो करो, लेकिन आप नहीं करोगे, आप करोगे नहीं करोगे, बिकॉज यही है, देख लो आप यही हो, यू आर लाइक दिस प्लांट, आर यू नेचुरल और आर्टिफिशियल? यू आर आर्टिफिशियल, सो व्हाट शुड यू बी, शुड यू बी नेचुरल और आर्टिफिशियल? यू शुड बी नेचुरल, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बींग, यू आर नॉट अ रोबोट, व्हाट आर यू? आर यू ह्यूमन बींग और अ रोबोट? ह्यूमन बींग की सबसे खास बात क्या है? रोबोट के अंदर मशीन फिट की जाती है, मेमोरी फिट की जाती है, और खुदा और भगवान की तरफ से 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 100 बिलियन न्यूरॉन्स ऊपर वाला खुद दे के भेजा है, जाओ भैया 100 बिलियन न्यूरॉन्स दे के भेज दिया है, लाखों सेल्स दे के भेज दिया है, बोन्स दे के भेज दिया है,
माइंड दे के भेज दिया है, आईक्यू दे के भेज दिया है, एसक्यू दे के भेज दिया है, ईक्यू दे के भेज दिया है, इंटेलिजेंस दे के भेज दिया है, सेंस दे के भेज दिया है, बुद्धि दिया है, सोच दिया है, लेकिन आप नहीं सोचोगे, भीड़ में नहीं सोच पा रहे हो तो अकेले जाके सोचो, खाते हुए नहीं सोच पा रहे हो तो खाना रोक के सोचो, अंधेरे में नहीं सोच पा रहे हो तो लाइट जलाकर सोचो, लाइट में नहीं सोच पा रहे हो तो लाइट बंद करके सोचो, खड़े होकर नहीं सोच पा रहे हो तो बैठ के सोचो, बैठ के नहीं सोच पा रहे हो तो लेट कर सोचो, लेट के नहीं सोच पा रहे हो तो दौड़ कर सोचो, दौड़ कर नहीं सोच पा रहे हो तो चल कर सोचो, चल कर नहीं सोच पा रहे हो तो पानी पी कर सोचो, पानी पी कर नहीं सोच पा रहे हो तो कहीं जो है कि खेत में छांव में बैठ कर सोचो, छांव में भी नहीं सोच पा रहे हो तो चिलचिलाती हुई धूप में तप कर सोचो, तप कर नहीं सोच पा रहे हो तो कपकपाती हुई ठंडी में सोचो, ठंडी में भी नहीं सोच पा रहे हो तो चलते हुए रोड पर सोचो, चलते हुए रोड पर नहीं सोच पा रहे हो तो दोस्तों के साथ सोचो, दोस्तों के साथ नहीं सोच पा रहे हो तो अपने टीचरों के साथ सोचो, अपने टीचरों के साथ नहीं सोच पा रहे हो तो अपनी किताबों को लेकर सोचो, अपनी किताबों को लेकर नहीं सोच पा रहे हो तो इन पौधों इन जो है कि खेत खलियान को देख के सोचो, उनको भी देख कर नहीं सोच पा रहे हो तो जाओ झुग्गी और झोपड़ी में उनकी गुर्बत, उनकी गरीबी, उनकी तनाई, उनकी लाचारी और भूखमरी को देख कर सोचो, अगर वो भी नहीं देख कर सोच पा रहे हो तो जिन लड़की की कम उम्र में शादी हो जाती है, जो विधवा हो जाती है, जिनके अंदर जो है कि दिक्कतें आ जाती है, जो है कि खाने की मोहताजगी रहती है, उनकी दिक्कतों को देख कर सोचो, उनको देखकर सोचो कि जिनके अंदर चेहरे पे मासूमियत है, जो पढ़ना चाहते थे आज किसी मुश्किल की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ पाए, उनकी गुर्बत, उनकी लाचारी, उनकी जो है तन्हाई को देखकर, उनके चेहरे की मासूमियत को देखकर सोचो, किसी मरीज को देखकर सोचो, किसी डॉक्टर को देखकर सोचो, इंजीनियर को देख के सोचो, किसी पढ़े लिखे इंसान को देख के सोचो, किसी जाहिल को देखकर सोचो, कभी चप्पल उतार के सोचो, चप्पल पहन के सोचो, कैसे भी सोचो, लेकिन कम से कम थोड़ा सा तो सोचो यार, थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ा सा सोचो, यू विल फाइंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। 650 मिलियन औरतें और लड़कियां इस दुनिया में, इस जहान में हैं, जिसकी 18 साल की उम्र से पहले शादी हो गई, और 18 साल की उम्र से पहले शादी हो जाना मतलब आपके पास 18-19 साल की उम्र में एक बच्चा होगा, और बच्चा होने के बाद बॉडी शरीर कैसा रहेगा वो आप अगर बायोलॉजिकली पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। 18 साल की उम्र में क्या मैच्योरिटी एक लड़की के अंदर होती है आप खुद जानते हैं, लेकिन आज जाहिलियत की वजह से, गरीबी की वजह से, परेशानी की वजह से, जागरूकता की वजह से, इन सब की वजह से आज शादियां हो रही है, आज लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं, और समाज में आप लोग हैं तो समाज में आप लोग भी, क्योंकि आप लोग से मैंने कहा ना सोचो, लेकिन नहीं सोचोगे, प्रॉब्लम इज दैट कि आप सोचोगे ही नहीं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सोचते हो कभी नहीं सोच पा रहे हो। आज सिर्फ अपने ऊपर आप मेहनत करो, कल सफलता शोर मचाएगी, या आज जो हवा है कल आधी बनकर आएगी, यही है, लेकिन आप नहीं, तो अच्छा अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला, अरे वो आज सर बन गए, हम जानी था अब्दुल्ला काव है, अब्दुल्ला कंचा खेले थे, हाँ अब्दुल्ला कुछ ना खाली बोले थे पकड़ पकड़ है ना कुछ, हाँ तो अब आदमी जैसे ऐसी ऐसी विचारधारा बना लिया, अच्छा मानो तो गंगा माँ है ना मानो तो बहता पानी, मानो तो कोई आदमी शिक्षित है ना मानो तो वो चप्पल है, क्योंकि आप अगर किसी को नहीं मानना चाहते तो कुछ नहीं है, अगर किसी को नहीं मानना चाहते तो कुछ नहीं, अगर आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो ना हम मानेंगे नहीं, नोरा फतेही बड़ा अच्छा डांस करती नहीं हम मानेंगे नहीं, उससे अच्छा हम डांस करते हैं, मतलब आपके अंदर ये एक एक तरीके की कल्पना आ गई, इमेजिनेशन आ गया है कि आप मानेंगे ही नहीं तो ना मानो तो कुछ नहीं है। आपके टीचर दिल्ली मुंबई अमेरिका लंदन जाके लेक्चर दे सकते हैं, आप बताओ दे सकती हो नहीं, फिर ये आप नहीं मान रहे हैं, कहाँ करें माने, कहाँ मानेंगे हम, जय सर हमारे ही उम्र के तो हैं, हाँ हमारे ही इतने बड़े तो हैं, मुकेश सर को काहे माने, मुकेश सर का पेट निकला है, टूटी गाड़ी लेके आते हैं, तो आप लोग मान नहीं रहे, विशाल सर को काहे माने, विशाल सर जो है सुबह से लेके शाम तक जो है मेहनत करके पढ़ाते हैं इसलिए नहीं मानेंगे, राइट इसीलिए क्योंकि आप लोग के साथ ओवर मेहनत होती है ना, यही प्रॉब्लम यही है, तो आप लोग मान नहीं रहे, तो इसीलिए मैं जो है बड़ा आराम से बात कर रहा हूँ आप लोग से, अपने दोस्त की तरह, भाई बहन की तरह,
आराम से समझो, जैसे मैं पहले आता था, आपको समझना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बड़ा आराम से बता रहा हूँ, जो आपको समझना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए ज़रूर, समझ रहे हो, सोचना ज़रूर चाहिए। जब जब आप सोचोगे तब तब आपको कुछ मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम से एक लड़का खड़ा हुआ, सवाल किया कि बताइए एपीजे अब्दुल कलाम सर, आप राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के, आप मिसाइल मैन भी रहे हैं और आप एक प्रोफेसर भी रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अगर आप ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो प्रेसिडेंट को एक टीचर एक प्रोफेसर से ज़्यादा पैसा मिलता है, 5 लाख नॉर्मल सैलरी है राष्ट्रपति की हमारे। और द्रौपदी मुर्मू जी बनी है एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आदिवासी औरत वो भारत की राष्ट्रपति, सबसे पहला जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है देश का, वो है। तो एक आदमी आदिवासी भी वहाँ तक जा सकता है, तो ये मार्टिनगंज, बनगांव, बिलवाने और महुजा वाले नहीं जा सकते? जा सकते। अब मैं पॉइंट कर रहा हूँ बात एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, सबसे पसंदीदा जो मेरा काम था वो टीचिंग था, आज भी मेरे दिल में। तो एक टीचर हमेशा समझ लेना कि टीचर जब पढ़ाता है तो पैसा उसका नेक्स्ट पीछे रहता है हमेशा, सबसे कम अगर इस क्षेत्र में अगर कोई कमा रहा है तो वो टीचर है। क्योंकि आदमी एक किराने की दुकान वाला भी 15-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये कमा ले रहा है, एक ठेले पे अंडा बेचने वाला पैसा कमा ले रहा है। लेकिन अगर आप एक टीचर की अगर आप देखा यहाँ ध्यान दोगे तो एक टीचर सबसे कम पैसा कमाता है, सबसे कम हैप्पीनेस में मान लो। अब पॉइंट क्या, क्यों पढ़ा रहा है वो, आपको क्यों दे रहा है? मैं यहाँ आया हूँ, मैं यही दिमाग लगाता कहीं दिल्ली में सेशन कर देता तो मुझे 30-40 हज़ार रुपये मिल जाता, अगर दिमाग लगाता थोड़ा सा, इसी सेशन का मुझे 30-40 हज़ार रुपये मिल जाता, पैसा आ जाता ना। पॉइंट ये है, टीचर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ सबसे पहले अपनी धरती है, अपने लोग हैं, और यहाँ 10.5-11 साल से कोचिंग चल रही है, अपना गाँव भी, अपना क्षेत्र भी है, अपना समाज भी है। तो इसलिए आदमी चाहता है कि सबसे पहले अगर फेमस हो इंसान तो अपने समाज को सुधारते सुधारते आगे जाए, और अपने समाज को जब सुधारेगा तो अपना समाज तारीफ करेगा, अपने लोग तारीफ करेंगे। और इस ध्यान देना, रिश्ता तभी टूटता है जब शादी लगती है, जब पड़ोसी जो है बुराई करता है। कभी सुने हो लड़की का रिश्ता लगा और पड़ोसी से जाके पूछेंगे, अच्छी बताओ ये घर घराने कैसा है, ये लड़की जो लड़की से जो रिश्ता लगा रहे वो कैसी है? ना, एकदम सही नहीं है, एकदम गड़बड़ है, रिश्ता तुरंत क्या हो गया, टूट गया। इसलिए सबसे बड़ा जो है आपको कनेक्शन बना के रखना है अपने पर्सनल लोगों से, अपने लोगों से। अगर आप लोग कल को आगे डायरेक्ट बुराई करने लगे, यार अब्दुल्ला सर कुछ नहीं है, मुकेश सर ये सब सब बेकार हैं, तो हम लोगों की जितनी दिल्ली में इज्जत नहीं बनी है उतनी ज़्यादा आपके शब्दों से भी इज्जती हो जाएगी, बिकॉज वी आर योर एरिया पीपल, हम लोग आपके क्षेत्र के लोग हैं और आप लोग हमें ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, अंडरस्टैंड इट। तो आपको क्या बनाना है, अपने लोगों में बनाना है चीज़, समझ में आ रही है बात, यू अंडरस्टैंड। अब देखो, जब आप ये मेहनत कर रहे हो सब लोग, एवरीबॉडी इज़ वर्किंग हार्ड, सो सपोज यू आर वर्किंग हार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, व्हेन यू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर, जब आप एक अच्छी स्पीकर बन जाओगे, नोबडी विल कम्पीट विथ यू, आपके साथ कोई कम्पीट नहीं करेगा, नोबडी विल थिंक टू कम्पीट विथ यू, बिकॉज दे विल एडमायर यू। आज जैसे हमारे बीच में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमें सबका पता है कि सबका एक अलग स्थान है। जयस सर जैसा एक्सेंट हम नहीं बोल सकते, मुकेश सर जैसा ग्रामर मैं नहीं पढ़ा सकता, विशाल सर जैसा कंप्यूटर नहीं सिखा सकता, तो सबका एक अपना स्पेस है। उसी तरीके से अपना स्पेस बनाने की कोशिश करो कि एक आपका स्पेस होना चाहिए, नोबडी कैन कॉपी यू, आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता, आराम से बैठो। अब विशाल सर को टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आराम से बैठे। अब्दुल्ला सर कहाँ कंप्यूटर पढ़ाने जा रहे हैं, अगर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो 4 साल लग जाएगा, 4 साल हमारा व्यर्थ हो जाएगा, इससे अच्छा विशाल सर ही पढ़ाएं। अच्छा, आई कॉन्ट टीच कंप्यूटर। मुकेश सर जैसा मैं ग्रामर पढ़ा ही नहीं सकता, जय सर जैसे एक्सेंट मैं नहीं पढ़ा सकता, डायलेक्ट नहीं पढ़ा सकता, प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ा सकता, तो आई हैव टू बी नॉर्मल, मुझे नॉर्मल रहना है। यहाँ पे मेरे अंदर ये नहीं करना है कि अरे नहीं ग्रामर पढ़ा हम भी पढ़ाएं, एक्सेंट हाँ 10.5 साल से पढ़ा रहा है, एक्सेंट काहे नहीं पढ़ा पाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे एक्सेंट। अब हम एकदम तुरंत जो है चौड़े हो गए, और चौड़े होने के बाद हम सोच रहे हैं कि इन लोगों को भी हम एकदम नहीं, कुछ नहीं, सबका कुछ नहीं, हम ही है, समझ नहीं मानेंगे, वही हाल आप लोग के अंदर है। तो गिव एवरीबॉडी स्पेस, सबको स्पेस दे दो, सबको करने दो अपनी मेहनत, आप अपने ऊपर मेहनत करो। यहाँ पे सबसे खास बात है, हर टीचर को आप देखो, एनालाइज करो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहता फिर भी मेरी बात हो जाती है क्लास में, क्यों होती है? क्योंकि कॉम्पिटिशन है ही नहीं, कॉम्पिटिशन होता तो बात नहीं होती। भाई अब्दुल्ला सर कहें हम पढ़ा रहे हैं, हम अपने आप को मानेंगे, कहें उनका नाम लें, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिशन है नहीं है, बैठे आराम, कोई कॉम्पिटिशन, नो कॉम्पिटिशन। मैं आ रहा था अयोध्या स्टेशन पर, पहुँचा रेलवे स्टेशन पर,
तो वहां मैंने देखा कि बंदर, बंदर होते हैं बहुत ज्यादा स्टेशन, तो बंदर थे। अब उसमें से एक, पहले किसी ने एक रोटी फेंकी, एक बंदर आया, रोटी लिया और रोटी लेके खंभे पे चढ़ गया, आराम से रोटी खा रहा है और किसी बंदर ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर एक उसी रेलवे से, उसी ट्रेन से एक सेब किसी ने फेंका और सेब भी एक बंदर आया लेकर दूसरे वाले खंभे पे बैठ कर आराम से खा रहा है। बंदर बहुत सारे थे, मैं बड़ा कंफ्यूज कि यार ये रोटी पाया इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, इसने सेब लिया इसको भी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, माजरा क्या है? तो माजरा ये समझ में आया कि अयोध्या में जो मंकीज है, जो बंदर, उनके बीच में एक एकता है, कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि वहां पे रोज उनको सेब रोटी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, उनको सफलता मिल ही रही है, उनको हमेशा अचीवमेंट मिल रहा है, उनको टारगेट मिल रहा है और वो अपनी ही दौड़ में है। और जब आप सक्सेस सफलता पा जाएंगे तो सक्सेस और सफलता पाने के बाद आपका क्या होगा? आराम से खंभे पे चढ़ के, ए चमेली भाई, अरे आराम से एकदम ठीक है, सक्सेस मिल गई, सफलता मिल गई, हो गए। अब से मैं इतना बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, आप मुझे सुन भी रहे हैं, मैं मजाक भी कर रहा हूँ तो आप हंस भी रहे, काहे काहे कि मैं आपका टीचर हूँ, काहे कि इंस्टीट्यूट खोला हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सब लोग पढ़ा रहे हैं। तो पॉइंट यही है, पॉइंट यह है कि जब आप कुछ पा जाओगे तो आपकी बात सुनेंगे, तो जब आप सफल हो जाओगे तो आराम से एकदम, ए चमेली भाई, आराम से बोलो, नो बडी विल एक्चुअली यू नो इंटरफेयर यू, कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। हमेशा जो आपके इंसान बुराई करता है वो आपसे छोटा होता है, जो भी आपकी बुराई करेगा वो आपसे छोटा होगा, कभी भी आपसे बड़ा इंसान आपकी बुराई कभी भी कर ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं सोचूंगा कि अनु मैम, अरे यार अनु मैम गड़बड़ है, खराब है, नहीं वो नहीं करती है, नहीं पढ़ाती है, क्यों? मैं इनको बस जब भी कहूंगा तो इनको बताऊंगा कि ये चीज़ आपको पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मैं इनसे कभी जलूंगा ही नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनसे सीनियर हूं, इनसे बड़ा हूं। हमेशा हर बड़ा आदमी अपने छोटों से कभी जले करें, और आप अगर बड़े बनना चाहते हो तो जलना छोड़ दो। हो जाता, अरे वो अकड़ अकड़ जो चीज़ है कभी कभी मेरे अंदर भी आ जाती है, अरे दैट डायरेक्टर है, अकड़ अकड़ आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू एक्चुअली रिलैक्स योर सेल्फ, एकदम रिलैक्स कर दो। क्या हो रहा है, चेयर नहीं मिल रही, खड़े रहो, चेयर नहीं मिल रही, खड़े रहो, भूई पे, भूई जमीन पे बैठ के खाना पड़ रहा है, बैठ जाओ, बैठो आराम से, न्यूट्रल कर दो अपने आप को, एकदम नॉर्मल कर दो, एकदम नॉर्मल कर दो, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मेरी कोई खातिरदारी करे। हम लोग वहाँ गए थे, शायद कहीं पे 13वीं थी, हाँ तो वहाँ, अरे सर आपके लिए टेबल लगाया जा रहा है, आइए कुर्सी लगाई जा रही है, हम मुकेश सर थे, हाँ आइए बैठिए। अरे हमने कहा जब 13वीं का मतलब होता है कि मौत के बाद भोज, और मौत के बाद भोज हमेशा ज़मीन पर खाना चाहिए, यहाँ पर क्या डाइनिंग टेबल और कुर्सी? तो हम कहा कहीं और से आए हैं, किसी और गोला से हैं, परलोक से हैं, हम भी यहीं से हैं, अपने आप को न्यूट्रल रख दो। जब आप अपने आप को न्यूट्रल रखोगे तो सामने वाला कहेगा अरे यार गजब का बंदा है, इसको कुछ मिल भी गया है फिर भी ये नॉर्मल है। तो उसी तरीके से आप क्या करो, आप अपने आप को थोड़ा और दिखाओ, जैसे अभी जैसे ये देखिए शोभित कैमरा पकड़ के खड़े हैं, अब इस कंडीशन में समझ रहे हैं, इस कंडीशन में आदमी क्या कहेगा, अरे यार What a personality, he's so flexible, so chill। यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि जय सर लेके कैमरा, मुकेश सर लेके कैमरा, मैं आ रहा हूँ बोलना, और विशाल सर लेके कैमरा दौड़ रहे हैं। ये चीज़ ये दिखाती है कि हम कुछ नहीं है, बस हम नॉर्मल, बस कुछ नहीं, हम नॉर्मल है, कुछ है ये नहीं हम। और जब काम का टाइम आए तो हम ठोक देंगे, काम कर देंगे आराम से, तब हमें लोग देखेंगे। अंडरस्टैंड इट, समझ में आ रही है कुछ बात, दिमाग में जा रही है कि नहीं बात जा रही है? राइट, टाइम वाइम है आप लोगों के पास? वाह, आज इन लोग के पास वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इस वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अगर दांते नहीं होते ना तब तक वो कहते कॉलेज जाना, आगे चल के कॉलेज में खरीद लेते हैं इन लोग इन लोग का कॉलेज ही खरीद ले, फिर इन लोग को उसी में जो है कॉलेज से पढ़ के कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बना, ध्यान देना ये बात, थोड़े से खराब बात है, कॉलेज से पढ़ के कोई बड़ा इंसान नहीं बना है, दुनिया से पढ़ के हमेशा आदमी इंसान बड़ा बनता है। कॉलेज से अगर पढ़कर इंसान बनता है तो आपके ही क्षेत्र में
आपके ही क्षेत्र में कम से कम होंगे डिग्री प्रोवाइड करने वाले 10 कॉलेज, थोड़ा बहुत अगल बगल देखोगे, उनमें अगर नंबर देखोगे 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे। 10,000 में से ज़रा एक भी नाम बता दो जो यहाँ से IAS IPS हो, जो यहाँ से एंटरप्रेन्योर हो, जो बिजनेसमैन हो। कॉलेज से पढ़ के ये बैग टांगना, ये भागना भीड़। कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेज है, कंप्यूटर में C++ लैंग्वेज है, कंप्यूटर में जावा लैंग्वेज है, कंप्यूटर में जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, कंप्यूटर में स्विफ्ट लैंग्वेज है, कंप्यूटर में पास्कल लैंग्वेज है, कंप्यूटर में जो है कि HTTP या जो है कि PHP ये क्या है, लैंग्वेज है। इतनी सारी भाषाएं, कोबोल क्या है, लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप मेन भाषा की बात करेंगे तो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज होती है, और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो